हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल विंग्स कैंडी। तो जैसा कि हमने कल वीडियो बनाया था प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, आज हम देखेंगे हम लोग नेगेटिव। तो चलिए, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें नहीं आता हो तो बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे मैं सब जाकर सीखूं, वह एक पुस्तक नहीं है, या फिर जैसे मैं लिखूं दूसरा एग्जांपल, तुम एक वकील नहीं हो, या फिर मैं तीसरा एग्जांपल लिखूं कि वह अमरूद नहीं है। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं कि जितने जितने सिंपल नेगेटिव्स आते हैं वो इस तरीके से कुछ शो ऑफ होते हैं। तो जैसे कि अब इसका हम अगर सिंपली रूल जानना चाहें कि इसके रूल से कैसे फॉलो करेंगे, तो रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा, जैसे कि हमने कल बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। तो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जितने भी हम चाहे जिस भी टाइप का सेंटेंसेस करें, टेंस करें, उसमें क्या होता है कि लगभग लगभग सभी के बाद हैडिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट यूज होता है। तो जैसे हम इसको अब ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको इसकी स्पेलिंग बनने के लिए उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे हैं, वर्ब के लिए क्या लगाएंगे, ई हो जाएगा, सॉरी दैट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद तुरंत हमारा इज, एम, आर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है इज आएगा, इज। इसके बाद तुरंत क्या है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब और हेडिंग वर्ब तुरंत नॉट आ रहा है, नॉट। इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट अ बुक। ठीक ऐसे ही अगर हमें इसको बनाना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कैसे लिख दूं, तुम क्या होता है, तुम किस पर लिख दूं। इसके बाद जस्ट क्या होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे लिख दूं, यूज होता आर, क्योंकि यू क्या हमारा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है आर। इसके बाद तुरंत नॉट, इसके बाद अ एडवोकेट। ये तो सिंपल होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आप फॉर देखिए कैसे करेंगे, दैट is not flower, तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंसेस को देखा नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिले कैसे ऐसे एग्जांपल्स में। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पड़े हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसको प्लीज नोट डाउन करें और उसको करने की कोशिश। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स ये पड़े हैं, यह पुस्तक नहीं है, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, और थर्ड क्या है, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। वे निर्धन नहीं है, और पांचवा, पांचवा वह एक वह एक
नहीं है। तो ये आपके 5 एग्जांपल्स हैं जो आपको होमवर्क में करना है और करके इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में या फिर सेंड करना है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव। इसमें हमारे दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल में क्या होता है, अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो जब कोई वाक्य क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो तो उसके लिए जो सिंपल रूल होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और इसमें एक नोट लिख सकते हैं आप कि वाक्य में निगेटिव रहने पर ही नॉट का यूज करें। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या वह एक पुस्तक है, तो सिंपली सा कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें किस किस पहले हैप्पी वर्क लगानी है, क्योंकि हमारा कैस में है सिंगुलर पर्सन है। और अच्छा हिंदी में हम कैसे यूज करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि इज लग के एम लग आ लग रहा, तो हम वो डिसाइड करता है कौन मेरा डिसाइड करता है, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हमारे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह तो वह क्या हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे हमेशा इज लगाएंगे इज। इसके बाद क्या आता है तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट पर क्या लगेगा दैट इज दैट, नेगेटिव है नहीं इसमें नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। इसके बाद इज दैट अ बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद दूसरा जो रूल होता है सेकंड रूल की हम बात करें तो सेकंड रूल होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो देखिए सबसे पहले हमारे अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रश्नवाचक शब्द होते क्या है, या प्रश्नवाचक शब्द है इंट्रोगेटिव शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स। जैसे हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स या प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि होता है क्या बहुत सारे होते हैं, क्या कब कैसे कहां आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं। अब इसमें लिखा हमारे रूल में कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, हमारे पास एग्जांपल है मोहन क्या धनी है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आता है ये बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में जब क्या आया तो उसके लिए ये रूल लगाते हैं, अगर स्टार्टिंग में क्या नहीं आता है इंट्रोगेटिव इसके लिए हम बीच में अगर आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो इसके लिए हम रूल ये फॉलो करते हैं।
तो इसके लिए हम ये फॉलो करते हैं, जैसे पहले सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स की स्पेलिंग बना लेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब, इज एम या फिर आर, इसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमको इसको ट्रांसलेट करना तो कैसे ट्रांसलेट, सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्या है, क्या स्पेलिंग क्या आपकी व्हाट होती है, व्हाट, इसके बाद क्या होता है कि तुरंत हमारे इज एम आर आता है, इज एम आर कौन डिसाइड करता है, हमेशा किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में हमेशा जो उसका हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट इसमें क्या है मोहन, मोहन क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे इसमें हम इज लगाएंगे, मोहन इज, व्हाट इज मोहन, इसके बाद क्या होता है हमारे सब इंटरोगेटिव वर्ड्स में क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर क्या है, इंटरोगेटिव से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का इसका नॉट, नॉट है नहीं इसमें नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट यूज नहीं करेंगे यहां पे, तो व्हाट इज मोहन, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें रिच, रिच। तो इस तरीके से हम अपने जो है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क कोई स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल हमने देखा, प्रेजेंट सिंपल के अपन नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे, नेगेटिव भी देखे, इसके बाद हमने इंटरोगेटिव भी देखा। तो इंटरोगेटिव में टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स में ऐसे हमारा देखिए सबसे पहले हमारा जब क्या से स्टार्ट होता है उसके लिए ये रूल फॉलो होता है, इसके बाद अगर जब इंटरोगेटिव वर्ड्स अगर बीच में आता है तो इसके लिए हमारा रूल ये फॉलो होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर उससे कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ उसको सॉल्व करना है उसको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको व्हाट्सअप करना है भेजना है। जैसे पहला सेंटेंस है क्या तुम मेरे मित्र हो, दूसरा क्या मैं जानू, तीसरा क्या मोहन ईमानदार है, और चौथा है क्या हरि तुम्हारा भाई है, क्या हरि तुम्हारा भाई है, और पांचवा है क्या वह चोर है, क्या वह चोर है। ये पांच आपके एग्जाम्पल्स है इसको सॉल्व करना है उसी मेथड से सीखा है। और नेक्स्ट जो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंफिनिटिव। तो सर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।